राधे राधे फ्रेंड्स, ओम गम गणपते नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माघ मास मातम्य 24वां अध्याय। माघ एक ऐसा महा जो भारतीय संवत्सर का 11वां चंद्रमास व 10वां सौर मास कहलाता है। दरअसल मकर नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होने के कारण यह महीना माघ का महीना कहलाता है। वैसे तो इस मास का हर दिन पर्व के समान होता है, लेकिन कुछ खास दिनों का कुछ खास महत्व इस महीने में होता है। माघ मास में जो मनुष्य नियम पूर्वक एक समय भोजन करते हैं, वे धनवान कुल में जन्म लेकर अपने कुटुंबजनों में महत्व को प्राप्त होते हैं। पद्म पुराण में कहा गया है कि जैसे ग्रहों में सूर्य और नक्षत्रों में चंद्रमा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार महीनों में माघ मास श्रेष्ठ है। माघ में मूली का त्याग करना चाहिए। देवता और पितरों को भी मूली अर्पण नहीं करनी चाहिए। माघ में तिलों का दान अवश्य करना चाहिए। विशेषतः तिलों से भरकर तांबे का बर्तन दान देना चाहिए। जो माघ मास में ब्राह्मणों को तिल दान करता है, वह समस्त जंतुओं से भरे हुए नरक का दर्शन नहीं करता है। श्री हरि नारायण को माघ मास अत्यंत प्रिय है। यह मास प्रातः स्नान, कल्पवास, पूजा, जप, तप, अनुष्ठान, भगवत भक्ति, साधु संतों की कृपा प्राप्त करने का उत्तम मास है। माघ मास की विशिष्टता का वर्णन करते हुए महामुनि वशिष्ठ जी ने कहा है कि जिस प्रकार चंद्रमा को देखकर कमलिनी तथा सूर्य को देखकर कमल प्रस्फुटित होते हैं और पल्लवित होते हैं, उसी प्रकार माघ मास में साधु संतों महर्षियों के सानिध्य से मानव बुद्धि भी पुष्पित, पल्लवित और प्रफुल्लित होती है, अर्थात प्राणी को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। माघ मास महात्म्य 24वां अध्याय। लोमस जी कहने लगे कि वह राजा पहले तो तमिश्र नामी नरक में गया, फिर अंध तमिश्र नरक में जहाँ पर अति दुखों को प्राप्त हुआ, फिर महारौरव, फिर कालसूत्र नामी महानरक में गया, फिर मूर्छा को प्राप्त हो गया, मूर्छा से चेतना आने पर तापन और संप्रातापन नाम के नरक में गया, अनेक दुखों को भोगता हुआ वह प्रताप नाम के नरक में गया, तब काकोल, कुड़पल, पूर्व मृतिका, लोह शंकु, मृजीव आदि नरकों में होता हुआ असीपत्र वन में पहुंचाया गया, फिर लोह धारक आदि नरकों में गिराया गया। भगवान विष्णु के साथ द्वेष करने के कारण वह 21 युग तक भयंकर नरकों की यातना भोगता हुआ नरक से निकलकर हिमालय पर्वत पर बड़ा भारी पिशाच हुआ। उस वन में वह भूखा और प्यासा फिरता रहा। उसको मेरु पर्वत पर भी कहीं खाने को न तो भोजन मिला और न ही पीने को जल। हो तब्यता के कारण वह पिशाच घूमता हुआ एक समय प्रलुत प्रस्त्रवण नाम के वन में जा निकला। बहेड़े के वृक्ष के नीचे वह दुखी होकर हाय मैं मरा, हाय मैं मरा ऐसे शब्द जोर जोर से पुकारने लगा और कहने लगा, भूख से दुखी मेरे इस जन्म का कब अंत होगा? इस पाप रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझको कौन सहारा देगा? लोमस जी कहने लगे कि इस प्रकार वेद पाठ करते हुए देवद्यूति ने उसके दुख भरे वचनों को सुना और वहाँ पर एक पिशाच को देखा जिसकी लाल डरावनी आंखें, दुर्बल शरीर, काले काले ऊपर खड़े बाल, विकराल चेहरा, काला शरीर, लंबी सी जीभ बाहर निकली हुई, लंबे होठ, लंबी जांघें, लंबे लंबे पैर, सूखा चेहरा, आंखों में पड़े गड्ढे वाले पिशाच को देखकर देवद्यूति ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और ऐसी करुणा में क्यों रोते हो? तुम्हारी यह दशा कैसे हुई और तुम्हारा मैं क्या उपकार करूं? मेरे आश्रम पर आ जाने से कोई प्राणी दुखी नहीं रहता और वैष्णव लोग आनंद ही करते हैं। सो हे भद्र, तुम अपने इस दुख का कारण जल्दी कहो, क्योंकि विद्वान मनोरथ पाने के लिए विलंब नहीं किया करते। ऐसे वचन सुनकर प्रेत रोना बंद करके विनीत भाव से कहने लगा कि हे द्विज, किसी बड़े पुण्य में मुझको आपके दर्शन हुए हैं। बिना पुण्य के साधु की संगति नहीं होती। वो फिर उसने पहले जन्म का वृतांत कहा कि भगवान विष्णु के द्वेष के कारण मेरी यह दशा हुई है। जिस हरि का नाम यदि अंत समय में मनुष्य के मुख से निकल जाए तो मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है, जो सबका पालन करता है, उसी से मैंने द्वेष किया। यह सब मेरे कर्मों का दोष है।
जिसकी ब्राह्मण तप द्वारा प्रार्थना करते हैं, ब्रह्मादि देवता, सनकादिक ऋषि जिसको मुक्ति के लिए पूछते हैं, और जो आदि मध्य व अंत में विश्व का विधाता और सनातन है, जिसका आदि मध्य और अंत नहीं है, उस भगवान के साथ मैंने द्वेष किया। जो कुछ पुण्य किए मैंने पहले जन्म में किए थे, वह सब विष्णु की द्वेष रूपी अग्नि में भस्म हो गई। यदि किस प्रकार मेरे इस पाप का नाश हो जाए तो मैं भगवान विष्णु के सिवाय किसी और देवता का पूजन नहीं करूँगा। विष्णु भगवान से द्वेष करके मैंने बहुत दिनों तक नरक यातना भोगी और पिशाच योनि में पड़ा हूँ। इस समय मैं किसी अच्छे कर्म के योग से आपके आश्रम में आया हूँ, जहाँ पर आपके सूर्य रूपी दर्शन ने मेरे दुख समान अंधकार को दूर कर दिया है। अब आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी यह पिशाच योनि दूर हो, क्योंकि सज्जन पुरुष उपकार करने में देर नहीं करते हैं। देवदूति कहने लगे कि हे माया देवता, मनुष्य असुर सबकी स्मृति को मोहित कर देती है, जिससे धर्म का नाश करने वाला द्वेष उत्पन्न हो जाता है। जगत की उत्पन्न करने, रक्षा करने और नाश करने वाले जो सब प्राणों की आत्मा है, उनसे भी लोग द्वेष करते हैं। जिनके अर्पण करने से सभी कर्म सफल होते हैं, उनकी भक्ति से मुख मोड़ने वाले मूर्ख कौन सी गति को प्राप्त नहीं होते। चारों वर्णों का विदोक्त हरि का भजन करना ही उत्तम है, अन्यथा कुमार्ग में चलने वाले मनुष्य नरक के गामी होते हैं। इसी कारण वेद विरुद्ध कर्मों को त्यागना चाहिए। अपनी बुद्धि से बचे हुए धर्म के मार्ग पर चलने से मनुष्य परलोक के पद का भी नाश करते हैं। वह वेद देवता और ब्राह्मणों की निंदा करते हैं, झूठे मन कल्पित शास्त्रों को मानने वाले नरक में जाते हैं, देवादि देव विष्णु से विमुख होने वाले नरक में जाते हैं। जैसे द्रविण देश का राजा नरक में गया, इस कारण इनकी निंदा नहीं करनी चाहिए और वेद में न कही गई क्रिया को भी नहीं करना चाहिए। लोमस जी कहने लगे कि ऐसा कहने पर मुनि ने पिशाच को सुमार्ग बतलाया कि माघ मास में तुम प्रयाग में जाकर स्नान करो, उससे तुम्हारी यह पिशाच योनि समाप्त हो जाएगी। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य पहले जन्म के सब पापों से मुक्त हो जाता है। वहां पर स्नान करने से मुक्ति प्राप्त होती है, इससे बढ़कर और कोई प्रायश्चित नहीं है। संसार में यह मोक्ष और स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है। गंगा और यमुना का संगम त्रिवेणी संसार में सबसे उत्तम तीर्थ है। पाप रूपी बंधन को काटने के लिए यह कुल्हाड़ी है। कहाँ तो विष्णु, सूर्य, तेज, गंगा, यमुना का संगम और कहाँ यह तुच्छ पाप रूपी तृण की आहुति। जैसे घने अंधकार को दूर करने वाला शरद का चंद्रमा चमकता है, उसी तरह संगम के स्नान से मनुष्य पवित्र हो जाता है। मैं तुमसे गंगा यमुना के संगम का वर्णन नहीं कर सकता, जिसके जल की एक बूंद के स्पर्श से केरल देश का ब्राह्मण मुक्त हो गया। ऋषि के ऐसे वचन सुन प्रेत के मन में शांति उत्पन्न हो गई, मानो सब दुखों से छूट गया हो। प्रसन्नता से उसने विनयपूर्वक ऋषि से पूछा, माघ मास महात्म्य 25वां अध्याय मेरी अगली वीडियो में अवश्य सुने। राधे राधे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।